औकात रखा। भाई माशाल्लाह प्रोग्राम तो जुहर के बाद जुहर बाद से माशाल्लाह आप लोगों के सामने है, और हमने भी कई बच्चों का प्रोग्राम सुना, आप लोगों ने भी सुना। अच्छा ये बताओ, जिन बच्चों का प्रोग्राम आपने सुना, आपके हिसाब से ये फेल है कि पास? बताओ भाई, पास। जब आप लोगों ने पास कर दिया तो मुझे पास कहने की जरूरत ही नहीं है। माशाल्लाह आप लोगों ने पास कर दिया और अच्छे नंबर दे दिए माशाल्लाह। एक कंजूस आदमी हो, बखील। कौन हो? कंजूस और बखील आदमी। कहा छोरा ही हो, बाकी शादी हो का ही चालो हुयो, जब तो बिचारी सास ससुर ने देख रेख करी, फिर न्यालो कर दियो, न्याले मिली आयो घरवाड़ी है, तो कहा काम हुयो दो ढाई महीना में। जब छोरी गई वापिस तो छोरी को तो वाने लक्कड़ बना दियो सुखा के। चार वाके भाई है, उनने देखी एक लाली, कहा हुए पड़ो तेरो नु बस भर पूछो, ऐसे कंजूस लू ऐसे बखील लू दी हूं के बस जान ना सु दाल के अलावा कोई सब्जी ना देखी है। सुबह भी दाल, शाम को भी, और दोपहर में दाल ही दाल, दाल पर गाड़ी चल रही है भैया से कंजूस लू दी नु। तो फिर लाली कोई बात ना है, अल्लाह ने चाहे तो सरो के खूनार के दाल ना कच्चो नु खा, दुकान पे ले लू हिलायो ले लू। जब छोरी जान लगी तो कह लाली ये छोटी सी पुड़िया है और आज तो जा रही है धैर्य नया, परसों ईसा के बकत या चाम दे दियो, पुड़ियारी बेसुद हो जाएगा, पांच चार घंटा लू फिर हम आ जाएंगे। ठीक है भाई, जब परसों आयो चाम वालू पुड़िया पिला दी और तो बेसुद हो गए चार पांच घंटा लू। भाई आ गए, चारों भाई आ गए रात में, अब उठाइयो खाट बेसुद की वह जंगल में ले गए और ले जाके चारों तरफ सफेद कपड़ा की कनात लगा दी, ऊपर भी सफेद और सबन ने सफेद खोली पहन ली, बस आंख या खुली राखी, चारों कोने खड़े होकर अब हो होश में ऊपर लखावे तो सफेद बर्रा नूर लखा तो सफेद नूर लखा तो सफेद। अब जो चारों खड़े हुए टहलने लग गए तो वह भी सफेद, अब घबरा कर हुए कहा मुसीबत नहीं, मैं तो अपने घर में सोयो कहा नू मैं, सुन ले ध्यान से, आज चारों भाई आए हम, यू जिब्राइल है, ई मीकाईल है, इसराफील है, भाई इसराइल है, चारों आए। तो भाई मैंने कहा कसूर कर दिया सो, जो मौलानु भाई तेरी जान निकालनी है, या भाई अल्लाह के लिए ऐसे मत करो, अभी तो कोई बालक छोटो भी ना है, अभी तो वो बकस दे, अभी तो कुछ और तमन्ना बातियां नुकना ना, कोई अब तेरो बख्शिश को जरियो ना आए, तेरी जान निकालनी निकालनी है भाई, कुछ तो रो रियात करो मेरे लिए, कोई खानो हो ऐसा जो आज मैं बकस दियो जाऊं नुखाई एक खानो, कहा जिंदगी में ना दाल खागो ना पकागो ना लागो, भाई तो भाई अगर दाल की सिकले भी देख जाओ तो भाई पक्की तो भाई छोड़ दे, हाँ छोड़ दो अल्लाह के लिए, भाई छोड़ दो नुक ले तो या चाह पी ले, फिर वहां कुड़िया फिर पहली धोगो फिर लुटा के वहा घर है। अब धेरे ही दिन निकले, 11 बजे होश मारो अपने घर में, अब घर वाली बुलाई दुखी ना नुक रात कहा मैं नुक वो कहा बताओ वो कहा बताओ मत पर लिखाट पे तू बता कहा ना यार मो पता ना है, और ऐसे समझ जन कहा ले गए, वो चारों भाई आए फरिश्ते ना और मैं उठा के ले गए और बाय जान निकाली। नुक बाद में सुनूंगा किस्सा, पहले तुम दाल पका दो, खुदा की बंदी दाल में पका नुक दाल तो पका दो ना ना, ये दाल पर तो सारी मुसीबत ही दाल ना, मैं दाल पकाऊंगी लोग दाल मत पके, मैं मच्छी लेकर आ रहा हूं मुझे थोड़ी देर। अब तो भाई लोग को दाल कहा करूं, नु कैसे करवा पड़ोसी लू दिया और तो फेंक दे मेरे लेके, लेकिन दाल घर में दालों में नहीं रहती, साधु फिर आएंगे सारी दाल अड़ोस पड़ोस से फेंकवा दी, और भाई मच्छी लावे काय दिन काय दिन, बकरा लावे काय दिन मुर्गा लावे, तो अल्लाह ने बाकी कंजूसी ऐसे दूर करी। तो मैंने सोच रहा यार ये हिंदू मजमा में कंजूस तो ना, लेकिन जब फहरिस्त मेरे सामने आई तो वो पता चली कि अल्हम्दुलिल्लाह कंजूस ना मोर साहब, इन्हें तो रेलम पे लगा रखी है कंजूस ना, ये तो मैंने उल्लू सुनायो है
कि जो होते शराते भी इस्तेमाल ना करें और कंजूसी बरतें। इंशाल्लाह हजरत मौलाना ने ऐलान किया कि कुछ देर बाद में जो रह गए इंशाल्लाह वो भी कुछ ना कुछ मदरसे के लिए देंगे। इंशाल्लाह भाई देंगे ना। हाँ हम दुआ करांगे कि अल्लाह जो टटोल रहे हैं उनसे निकलवा दे और जिनने निकाल लियो अरे बड़ा को आमीन तो कह दो। अल्लाह जिनने निकाल लिए उनसे दिलवा दे। अल्लाह जिनने दे दिए उनके कबूल कर ले और जिनको मशवरा ना हुए अल्लाह उनके मशवरा मुकम्मल करा दे। और काई के साथ औरत भी बुढ़िया भी आई हो तो दोनों उठकर ही मशवरा भी कर सका। दे दूंगा 1.5 रुपया ये भी हमारी तरफ से इजाजत है। कोई बुढ़ो बुढ़िया डर तो हो तो मशवरा भी कर सका। और अगर बुढ़िया नहाई हो तो टेलीफोन करके पूछ भी सके न को गाय हो रही दिया 10 रुपया अगर बुढ़िया इजाजत दे दे तो वही दे सके। ठीक है अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए।